24 सालों से हिंदी म्यूजिक वर्ल्ड के आसमान को सबसे ज्यादा जगमगाते सितारे देने वाला है ये मंच। 24 सालों में 130 करोड़ दिलों की हर आवाज को सुन चुका है, कह चुका है ये मंच, और अब इसके 25वें साल पर म्यूजिक के शिखर पर एक नया नूर देने आया है ये मंच। हिंदुस्तान, खुली बाहों से कीजिए स्वागत। दिस इज योर ओन अमूल सारेगामापा लिटिल चैंप्स इन इट्स 25th ईयर। जहां सुरों के नन्हे महारथियों को तराशेंगे संगीत के 30 मार खान, यानी कि हमारी ग्रैंड ज्यूरी, और साथ में होंगे सुरों के अनोखे त्रिदेव, द म्यूजिकली रिच रिचा शर्मा, द शैंटास्टिक शान, और रोमांटिक गानों में जो करते हैं धमाल, नेक्स्ट जेन म्यूजिक का सबसे बड़ा कमाल अमार मलिक। आइए करते हैं शुरुआत संगीत के इस नए महाअध्याय की। ये मौसम क्यों बदल रहा है? स्वयं साक्षात छोटे भगवान हमारे जयस कुमार पधार चुके हैं। आपने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही डिवोशनल सा क्रिएट कर दिया। ऐसे लगता है अब सब कुछ अच्छा ही होगा। आप यहाँ हमारे ऑडिशन में परफॉर्म करने आए हैं जयस कुमार? मैं हूँ जूरी, 31st जूरी। अरे ओ, लेकिन यहाँ तो जयस कुमार हमारे पास सिर्फ 30 चेयर्स है, 30 जूरी के आगे हम रखे ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे? मैं किसी के गोदी में बैठता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तो अमाल, बुला ही लेते हैं पहली आवाज को। चलो, जूरी हमारी पूरी चकाचक तैयार। लेट्स कॉल फर्स्ट कंटेस्टेंट। आओ ना गाना गाओ ना उज्जैन जा। जयस कुमार, ये क्या हुआ? हमारी प्यारी सी गुड़िया को देखकर आप पूरा गाना भूलकर सीधा उज्जैन जा पे आ गए? देखो शान, उनका अंदाज देखो। आपका स्वागत है हमारे शो में। कौन है ये प्यारी सी गुड़िया जो इतनी प्यारी सी मुस्कान के साथ प्रणाम करते हुए हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लूना देवी है। आपने ऐसा कैसा, लूना तो वो चलाने वाली मोटर बाइक का नाम, आपने अपनी बेटी का नाम ऐसा रख दिया? नहीं सर, ऐसे रख दिया। लूना का क्या मतलब होता है? मालूम नहीं, लेकिन ये इजी लगा तो है। लगा तो। फिर बाद में देवी डाल दो तो सब माफ। तो लूना देवी जी, आप तो स्वयं देवी हैं। सही में। आप तो स्वयं मंदिर है, आपको मिलने के लिए लोग जूते उतार कर आने चाहिए। आप क्यों चप्पल जूते उतार कर आई हैं? क्योंकि मैं ऐसा बड़े बड़े मंच पर मैं चप्पल उतार कर ही गाना गाती हूँ। हाय, यार ये कितनी क्यूट है यार। क्यूट तो है ही और संस्कारी भी। और ये जो आपके हाथ में ये आपकी तस्वीर है, ये क्या है ये आपके साथ? मेरा गुरु लता मंगेशकर जी। ओह माय गॉड, ये तो हम सबके गुरु हैं। और आप उनका फोटो लेकर क्यों घूम रही हैं लूना जी? हमारे वहाँ पर सिखाने वाला नहीं है, इसलिए पापा कहते थे कि
मैं लता जी का ही गाना सुनकर मैं सीखने लगा। बाप रे बाप। अगर आप अनुमति दें तो हम आपको अब सुन सकें? तो इससे पहले कि आप ये परफॉर्मेंस शुरू करें, आपको जल्दी से बता देते हैं कि 100 सेकंड्स के अंदर आपको पॉइंट्स मिलेंगे हमारे जूरी से। तो आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है 100 सेकंड्स के बाद। अगर आप उनके पॉइंट के हिसाब से 50% से ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर हमारे ऊपर डिसीजन है कि हम आपको इस शो में आगे ले जाएं या नहीं। और अगर आपने 50% के ऊपर मार्क्स ले लिए तो हम सोच सकते हैं, यानी एटलीस्ट दो लोगों को तो सोचना पड़ेगा कि आपको अपने पास रखना है, सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। और अगर 50% से कम आपके मार्क्स होते हैं तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसी परफॉर्मेंस दे दीजिए कि हमारे सारे जूरीज के यहाँ स्माइलीज प्रकट हो जाए और ये एक चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस हो जाए। सो ऑल द बेस्ट यू।
प्रीणा देवी, देखिए आप जिस प्रांत से हैं आसाम, वहाँ हिंदी भाषी बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आपने जिन्हें अपनी अपनी जिन जिनकी आप शिष्या हैं, मतलब लता दीदी, उनसे आपको डबल ट्रिपल सारे एडवांटेजेस मिल गए। कितनी आपकी उर्दू इतनी साफ और स्पष्ट, कुछ जो शब्द बहुत मुश्किल होता है कहना, खत्म आपने इतना अच्छा कहा। कहा शुरू, कहा खत्म, खत्म समझ सके ना हम, ना हम समझ सके ना कोई, लेकिन आप सारी बातें समझ गई इतनी छोटी उम्र में। काबिले तारीफ, क्या कहें, फैंटास्टिक। जयस, आप अपने नए फ्रेंड के साथ कोई गाना नहीं गाना चाहोगे? हाँ, गाना चाहूंगा। गाएंगी आप? हाँ। चलो हो जाए। गाता रहे डुएट कई सालों में मैंने नहीं सुना। थैंक यू सर। क्या बात है, फैंटास्टिक। बाय। ओरे लाला, ओ लाला, ओ लाला झिंगा लाला, ओरे लाला, ओ लाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंस ऑफ संदेश सेकंड मुझे नहीं मालूम क्या होता है ये। 100 सेकंड्स में बहुत कुछ हो सकता है, मेरी लाइफ बदल सकती है। 100 सेकंड फ्यूचर मेरा डिसाइड कर सकता है। क्योंकि वो 100 सेकंड मुझे एक सिंगर बना सकता है। मैं जब गाऊंगा तो मुझे जूरी मेंबर्स अच्छे अच्छे मार्क्स दें, क्योंकि मैं क्यूट हूँ। पूरी जिंदगी में ये मैं समझता हूँ ये 100 सेकंड्स ही हैं। अब मुझे मौका मिला है इतने बड़े मंच पे गाने का, अब मैं सेलेक्ट होके जाऊंगा पक्का। नमस्ते। नमस्ते भैया, आपको देखकर मुझे एक मेरे बहुत ही प्रिय मेरे भाई के, आपको मुझे छोटू निवान जैसे लग रहे हो आप। हमारे सोनू निगम जी के जो बेटे हैं ना, उनसे कुछ आपका चेहरा मिल रहा है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रीतम आचार्य। और आप नेपाल से? ये तो लग ही रहा है आपके वस्त्र को देखकर। जो अटायर है वो बहुत ही खूबसूरत, आपकी जैसे जैसे आपका चेहरा है वैसे आपने अपना अटायर करके आए। थैंक यू मैम। प्रीतम, क्या गाने वाले हैं आप आज? आज मैं सोनू निगम जी का। अरे वाह, बॉर्डर फिल्म से संदेश आते हैं। वाह 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 वाह। आप कंफर्टेबल हो प्रीतम गाने के लिए? तैयार हो? नहीं सर। नहीं नहीं सर, मुझे सब बंद जगह में गाने का आदत नहीं है। नेपाल में तो बहुत पहाड़ और खुला जगह। जी पहाड़ में गाता हूँ मैं तो। हम सबको आज पहाड़ समझ लो। हाउ स्वीट यार, ये हम सब पेड़ बने हैं तुम्हारे लिए। सो अच्छा नहीं लग रहा है सर?
कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। एक उपाय है। क्या है? आपके लिए हम यहाँ पहाड़ ले आएंगे, नेपाल वाले, वो भी देखना है आपको। Magic. आपको लग रहा है कैसे हो सकता है? 1, 2, 3 अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बहुत बड़े खान साहब ने एक बार कहा था, किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती। और माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटा सिंगिंग के अलावा पढ़ाई भी अच्छा रहे। मेरा बेटा प्रीतम हर चीज में अच्छा है। नेपाल में तो मैंने बहुत सर्च किया है और इंटरनेट में सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना सपोर्ट करके, इतना प्यार करके यहाँ तक पहुँचाया है। प्रीतम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जहाँ वो और आगे बढ़ सके, साथ ही टेरी शहर, अपने स्कूल और देश का भी नाम रोशन कर सके। उसको गाना गाने के लिए म्यूजिक टीचर अलग से उसको रख दिया, तो स्कूल फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। 21,000 रुपये उसको दिया है कि जाके सारे गम अपने लिटिल चैंप्स में गाना गा सके। एक किस्म का थोड़ा नर्वसनेस भी है, फिर भी मैं अपना 200% दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोग मुझे नेपाल में पसंद करते हैं उतने ही लोग इंडिया में मुझे पसंद करें। एक दिन आऊंगा
मुझे नहीं लगता कि आपके इस मंच पर आने के बाद कभी भी इस मंच में कुछ भी सुना नहीं रहेगा। स्कूल वालों को सर आप लिख दो चिट्ठी कि बेटा अभी थोड़ा सा बिजी हो गया है, बहुत सीखना है इसे, बहुत सीखना है यहाँ पे रह के। ये मंच इसी के लिए बना है और ये इसी मंच से अपने म्यूजिक से इसको बहुत आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। एक 11 साल के बच्चे की वॉइस में ऐसा थ्रो है, ऐसा पावर है कि पूरी वो जो इतना बड़ा ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस है यू नो, और बहुत पावरफुली बजा रहे, एम्प्स है, लाउडनेस है, फर्स्ट नोट से आता ही नहीं। और वो क्या है, मैं बहुत डिफिकल्ट आदमी हूँ हैप्पी करने के लिए, मैं बहुत कम लोग की आवाज़ सुन के रोता हूँ, अरमान की भी आवाज़ सुन के मैंने रोया नहीं आज तक बहुत। यानी तो तुमने मेरे को बात हो गई यार, 15 seconds of your singing ना, आपकी 15 second के अंदर I had tears. Thank you sir. Thank you. Same here. आपने पूरी पिक्चर बॉर्डर मेरे सामने आके रख दी, प्लेबैक आवाज भी है, थ्रो भी है कि आई कुड सी सनी डियोल, आई कुड सी द आर्मी, हर एक विजुअल। आई विश यू लक ब्रो, आई थिंक यू डोंट इवन नीड माई लक, ये इतनी अच्छी आवाज है कि ये अपनी जगह खुद ढूंढेगी। आप यही रुको, आपके लिए ना मेडल खुद चल के आएगा। ये मेडल आपकी तरफ आ रहा है। सर उदित नारायण जी मेरा बहुत मेरा फेवरेट सिंगर, वो नेपाल में बहुत चर्चित होके इधर इंडिया आए, इधर इंडिया में भी बहुत गाने गा चुके हैं और उनसे भी मिलने का एक बहुत बड़ा सपना है। उदित जी से आपको मिलना है जी, इसके लिए भी आया हूँ इंडिया, नेपाल से इंडिया। आपको जितनी खुशी होगी उनसे मिलके, मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज्यादा खुशी उन्हें होगी आपसे मिलके। थैंक यू सर। ये डुप्लीकेट उदित नारायण सुन लीजिए आप। मुझे लगता है कि इस बच्चे में कुछ ऐसी बात है कि इस बात को अगर दुनिया सुने तो फिर दुनिया को खुशी होगी इससे ज्यादा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बिल्कुल। आप यूं ही हमारे लिए अच्छे अच्छे गाने गाते रहिए और आपके सारे जो भी आपके दिल की चाहते हैं हम पूरी करने की कोशिश करेंगे और उदित जी से तो आपको हम जरूर 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 मिलवाएंगे। थैंक यू। पहली बार नेपाल से मुंबई आया हूँ और आते ही मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मुझे इतना प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा। अब मेरा अगला एम, अब मैं बहुत और मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि टॉप 15 में आऊँ। आइए जयेश बाबू, मेहरबानी करके आ जाइए। बेटी जाने जा, शौक से ले दिए हो। अरे वाह, हाउ क्यूट। क्या नाम है बेटा आपका? पिकोसा। पिकोसा मतलब भी बता दो क्योंकि हमको नहीं पता सच्ची में। वेरी डिफरेंट नेम। वैसे तो मेरे नाम का मीनिंग मैं खुद हूँ, मगर अगर देखा जाए तो पी फॉर पावरफुल, आई फॉर इंस्पायरिंग, सी फॉर कॉन्फिडेंट, के फॉर kind, and O for optimistic, S for salutary, and A for angel. जिसके पास भी ये सारी qualities होती है वो पिकोसा, यानी मैं हूँ पिकोसा। Yes, you are. आप क्या गाने वाली हैं? मैं चलती का नाम गाड़ी मूवी से, हाल कैसा है जन आपका गाने अच्छा, वाली इसका पता क्या मजेदार, हाँ आहा आहा। तो चलो हम तैयार हैं आपका गाना सुनने के लिए, तब तक आपकी मम्मा को बोलते हैं वहां बैठ जाइए। एक मिनट सर, शान सर मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा पहले सुन तो लेते हैं, शायद बात कुछ अलग भी हो सकती है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ
और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो, तो क्या आप मुझे चिमटी काट सकते हो? प्लीज मुझे बिलीव हो जाएगा कि सही में आप मेरे सामने में और मैं जाग रही हूँ. वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. आपके सॉन्ग सुन सुन के मैं डांस करते आई हूँ. लेकिन आपका जो सॉन्ग है ना, जब से तेरे नहीं ना, वो मेरा फेवरेट है. एक्चुअली उस सॉन्ग में जब रणवीर जी टॉवल पकड़ के डांस करते ना, मुझे वो नहीं शान से दिखते मुझे उसमें. और मैं चाहूंगी कि ये मोमेंट मैं खोना नहीं चाहूंगी. आप मेरे साथ एक डांस करेंगे, इट्स अ टाइम टू डिस्को करेंगे, इट्स अ टाइम टू डिस्को करेंगे. टावर डांस हो के ही रहेगा. पहले इट्स अ टाइम टू डिस्को करेंगे. अरे बाप रे, नहीं आपका पूरा लिस्ट है, लेकिन पहले हम लोग पिकोसा का गाना सुन लेते हैं. अगर पिकोसा का गाना कमाल होता है, फिर हम लोग डिस्को भी करेंगे और टावल डांस भी करेंगे. पहले गाना चल. सुपर पिकोसा, ऑल द बेस्ट. या अरे नहीं, सिंग वेल ओके. All the best. All the best. Please check your scale. Ooh, ro, 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 lady, 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 हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचे गए हो, ओ, 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 क्यों ही फिसल गए आ, आ, आ. हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचे गए हो, ओ, 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 यूं ही फिसल गए आ, आ, आ. एक बात मैं कहना चाहता हूं पिकोसा, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पिक सारेगामा लिटिल चैंप्स. यूटलिंग और वो पूरा आपका ये वाला कोरियोग्राफी, सब कुछ, आई थिंक स्टेज परफॉर्मेंस
प्लस प्लेबैक वॉइस दोनों आपके पास है. अमेजिंग अमेजिंग. यार शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड आई गेस. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना पिछले जन्म से होते हैं कि इस धरती पर अभी इतनी उम्र में क्या सीखेंगे ना. ये पहले कहीं पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह जाता है तो इस जन्म में ये पूरा करने आते हैं. वाह क्या बात. आइए आपको हम लेके ही चलते हैं. कम 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 कम. तो चलिए पिकोसा को मेडल मिला है. आई थिंक इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट. दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या. ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या. खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो. It's the time to disco. It's the time to disco. कह दो मिलो जिस जिसको. It's the time to disco. इतनी जल्दी आ गए डिस्को से वापस. हाँ सब फटाफट होता है. थिंग्स आर फास्ट पेस्ट. मजा आ गया ना. चलो तो अगले कंटेस्टेंट को बुलाया जाए. हेलो 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 हाय हाय हाउ आर यू. आई एम फाइन. आप बहुत क्यूट हो. थैंक यू मैम. आपका नाम क्या है बेटा. मेरा नाम लेजर राय है. क्या है मतलब इसका. कांग्रेचुलेशंस ऑफ गॉड. सो लेजर क्या गा रही हैं आप आज. बापू सेहत के लिए. तू तो हानिकारक है. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. छा जाइए. रे बापू मेरा जुल्म न कर. पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि y'all have a superstar at home. Thank you. यानी सुर ऐसे effortlessly लग रहे थे ना आज कि मैं बोल ही नहीं सकता. I was feeling कि मैं CD सुन रहा हूँ. I was blown away. Superb performance. Thank you.
एक बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर. मैं आपकी फोटोज वगैरह देखती हूँ बट सर आप स्माइल करना नहीं जानते. पर थोड़ा मैं अप्रोचेबल भी हूँ, ऐसा मत कहो. स्माइल कभी कभी कर भी देता हूँ. नहीं सर, आपको बिल्कुल आपके पिक में आपकी स्माइल होती नहीं. चलो, पर आपने ये कह दिया है तो प्रूफ कहाँ है? सर मैं प्रूफ लेके आई हूँ, ये देखिए. हाँ यार, नो स्माइल. ये दुखी है, ये वो लोग है कि आज गाना रिजेक्ट हो गया. मैं थोड़ा ओवर इंटेंस हो गया. यूर राइट, अभी से हैबिट बदलेगी, प्रॉमिस. सर प्लीज आप स्टेज पे आइए, मैं आपको स्माइल करना सिखाती हूँ, उसके बाद आपको सेल्फी करना. सर ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं. स्माइल. थोड़ा पाउटिंग स्माइल देता तो और मजा नहीं आता आपको, ऐसा नहीं लग रहा है? तो फिर देरी किस बात की, आ जाओ लेजल, हमारी लेजर शार्प लेजल. बापू से हट के लिए, बापू से हट के लिए, तू तो हानिकारक है. बापू से कहते हैं बच्चों का उनके पापा के साथ खट्टा मीठा रिश्ता होता है. एक तरफ पापा बच्चों पर जान छिड़कते हैं और दूसरी तरफ बच्चे अपने पापा की कुछ हरकतों से परेशान भी रहते हैं. मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं पर कभी कभी वो अच्छा खाना नहीं बनाते हैं. पापा बहुत अच्छे हैं और वो हमारे लिए हर संडे खाना बनाते हैं और हर संडे इसलिए हमें जला हुआ खाना खाना पड़ता है. मेरे पापा तो इतना अच्छे कुक है ना, बाप रे. ओट्स भी नहीं बनाना तो इतना अच्छे कुक है. दूध डाल के खाली बॉईल करना रहता, थोड़ा चीनी डालना रहता, वो भी नहीं होता इनसे. बच्चे की जान लोगे क्या? मेरे पापा का मेरे लिए टाइम ही नहीं, घुमाने लेके ही नहीं जाते. मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं करते. पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं. ये जब गाना गाते हैं ना तो ये बिंदास गा लेती है और मैं तो टेंशन में मारे या धक धक शुरू हो जाता है. आज का परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं अच्छा गाऊंगी और वो मेडल अपने पापा को गिफ्ट करना चाहूंगी. हेलो मैम, मैं पहले ऑल जजेस, ऑल ज्यूरीज, ऑल म्यूजिशियंस और ऑडियंस को प्रणाम करना चाहूँगी. खुश रहिए, खुश रहिए. वाओ, प्रणाम प्रणाम. वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्णाली आचार्य. La la la.
chart buster performer. Oh my God, कमाल हो गया। Thank you, एक तो sir. गाना इतना मुश्किल चुना, उसमें रेंज इतना ज्यादा है फॉल्सेरो की, आपकी इतनी कमाल की कंट्रोल है कि जब वो हाई नोट आप हिट करके आ रही हैं, यू हिट इट परफेक्टली वेल। सोनाली क्या बात है, आपने किससे सीखा ये सब, हुआ कैसे? मैं जब 2.5 साल की थी तब से सीख रही हूँ, तो पापा मुझे सिखा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पापा मुझे गेम सिखाए, स्विमिंग करना सिखाए, ऑमलेट कैसे अच्छे से बनाते ये सब सिखाए। मतलब गाना गाते गाते आप मतलब खाना भी सीख रही हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी। पापा बहुत तो अच्छा। मम्मी आराम से बैठती हैं घर पे, मम्मी कुछ नहीं करते? ओ एक्चुअली मेरे पापा ही मेरे मम्मी हैं। चंद्रिका का मम्मी, हम दोनों साथ में नहीं रहते 5-6 साल से। शर्णाली में, शर्णाली का छोटी बहन, एक साथ में रहते हैं हम। सुबह इनके उठाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो उसके बाद मेरा भी ऑफिस में जाना पड़ता है, तो बीच में वहाँ रियाज भी करना है। पहले जो काम मम्मी करती थी, पापा वो सारे काम करते, तो कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी पापा ने। पापा को सब कुछ पता है, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, वो मेरे एक्सप्रेशन देख के ही समझ जाते हैं। मैं अपने बच्चों से इतने प्यार करता हूँ, इन दोनों के लिए हर चीज छोड़ सकता हूँ, लेकिन इन दोनों से दूर नहीं रह सकता। मेरा ड्रीम हमेशा से एक प्लेबैक सिंगर बनने का है। जिस दिन मैं बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बन जाऊंगी, उस दिन से मैं पापा को एक भी काम नहीं करने दूंगी। इतने दिनों से पापा ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, तब मैं पापा को लेकर पूरा दुनिया घुमाऊंगी। बहुत ही खुश नसीबी होती है ऐसे बच्चों के लिए कि उनके सर पे आप जैसे पिता हैं। मेरे और एक लड़की है, तो इन दोनों के लिए हजारों लड़का कुर्बान है मेरे लिए। मैम मैं चाहती हूँ कि जन्मों जन्म मुझे यही पापा मिले। हाउ स्वीट। यूजली यहाँ पे जो आते हैं तैयारी के साथ आते हैं, तो आते ही नहीं। इट्स सच अ सीरियसली टेकन प्लेटफॉर्म कि यू नो, ये जो सिंगिंग भी, दिस चॉइस दैट शी मेड, ये गाना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे टीवी शोज पे नहीं चुनते, बिकॉज मूड्स बहुत शिफ्ट होते हैं इस गाने के। तो फर्स्ट कॉन्ग्रेट्स दैट यू हैव सिलेक्टेड दिस सॉन्ग एंड किल्ड इट विद दैट सॉन्ग। वो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड चार्ट बस्टर आपको जूरी ने दिया है, जजेस ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए, कॉन्ग्रेट्स, रियली रियली गुड सिंगिंग। Thank you so much, sir. Come. आ जाओ दौड़ के। मैं पापा को थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि पापा ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तो मैं ये मेडल पापा को देना चाहूंगी। थैंक यू बेटा। मुझे याद है जिस दिन फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, मैं अवार्ड लेके नीचे आया एंड अरमान उसके बाद आर डी बर्मन अवार्ड जीता। मैं मानता हम चार फंटास्टिक फोर है, बट द मोस्ट फंटास्टिक मैन ऑफ द फैमिली इज डब्बू मलिक की। हम तीनों चारों ने एक ग्रुप हग किया और चारों स्टेज के स्टेयरकेस के उधर रोए, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ विक्ट्री थी उस आदमी की जिसको अपने लाइफ में, अपने करियर में कभी कुछ नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं हम वो जरिया बने कि दैट मैन नाउ हिज लाइफ Whatever it may be, he has seen it. वो रात को मेरे डैड ने 1 kg की आइसक्रीम टब खत्म किया और दोनों फिल्म फेयर ऐसे पकड़ गए, वो बोले अब तुम लोग जाओ, मेरे अवार्ड है ये। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रिलीव दिस फीलिंग एंड एवरीथिंग इज फॉर यू डैड। वेन एवर यू सी दिस, आई एम हियर ऑल्सो फॉर यू, योर रिप्रेजेंटेटिव। आ जाइए अगली आवाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम बाविश मट्टू। हाँ
ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ पहला सवाल, क्या आप जागरण में गाते हो? यस मैम। ये देखो, ये देखो, ये भी जागरण में गाते हैं। Anyway, मुझे खुशबू आ जाती है। कैसे अंदाजा कैसे हुआ आपको? ये जो मैं on a serious note मैं बताऊं, जागरण का जो गाना होता है ना, बिना किसी बंधन के होता है। Throw पूरा। तो ऐसे खुला मैदान है और आप बस उड़ रहे हो हवा में। तो मुझे कितनी खुशी हो रही है कि ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं जो ऐसा खुला गा रहे हैं। क्या बात है। थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू माता जी। पहले मैं नोटिस कर रही थी एकदम शांत सी हैं, सहमी सी हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। अब तो आपका बच्चा चार्ट बस्टर, स्टैंडिंग ओवेशन सबकी लेके गया है, तो अब तो स्माइल कीजिए। मम्मा मैम ऐसे ही करते हैं, जब मेरा कोई कंपटीशन एग्जाम हो वो ऐसे ही हर वक्त ऐसे ही नर्वस ही रहते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बस इसके ही बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करती हूँ। मैं इसलिए नर्वस हूँ कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी जी, हम नहीं चाहते कि ये हमारे जैसा बने। अगर गार्डन में पानी देने वाले का बेटा इस देश की इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन सकता है, अगर बोट चलाने वाले का बेटा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और राष्ट्रपति बन सकता है, मैं एक स्वीपर हूँ, जरूरी नहीं है मेरा बेटा भी स्वीपर बने, वो भी इस देश का सबसे बड़ा संगीतकार बन सकता है और वो काबिलियत रखता है। जो स्वीपर की जॉब है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो मैं इसको यही रोकना चाहता हूँ। हमने ये रास्ता इसलिए चुना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमने इसीलिए हमको ये जॉब करनी पड़ी। बाबिश के पास जो ऑप्शन है वो कुछ भी कर सकता है। बाबिश जब भी स्टेज पर गाता है और लोग उसकी वाह वाह करते हैं तो मुझे दिल को बहुत सुकून मिलता है। बाबिश को आगे बढ़ाने के लिए मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ और उसका ये सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा, ताकि वो दुनिया में और अपने शहर के लिए और अपने मोहल्ले के लिए अपने मिसाल बने। We'll be right back.
जो उसके हौसले इसकी गायकी में दिख रहे हैं, उन हौसलों को देख के मुझे लगता है कि उसकी जो जिंदगी है ना, उसको बहुत आगे ले जाएगी, एक कामयाब इंसान बनाएगी। ये बात तो तय है। मेरे पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, त्रिपुंडधारी। वो लोगों के घर जाके पूजा कराते थे, पाठ कराते थे। चार लड़कियां थीं घर में, दो लड़के थे। उनकी नौकरी थी 400 रुपए की सिर्फ। उन्होंने बड़ी सादगी और सच्चाई से कमाया और हम लोगों को ये सीख दी कि उसमें खुश रहो। अगर आप उसमें खुश रहेंगे तो यहाँ पे बैठे होंगे जैसे आज मैं बैठी हूँ। तो कोई काम छूटा नहीं होता है, बिल्कुल ना सोचें। थैंक यू। आ जाओ। जयेश कुमार, एक छोटा सा एक तिरकट बजाने का दिल कर रहा है। दिंगरदाक 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 ते दिंगरदाक। डायलॉग बदल गया, शाकाल खुश हुआ, बगल को खुश हुआ। ये बच्चे कितने मासूम होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इंडिया, ये भोले भाले बच्चों के इनोसेंस के जाल में फंस मत जाना। अगर ये बच्चे झूठ बोलने पर आए ना, तो आपको अपने झूठ के जाल में फंसा लेते। और इसीलिए हमने निर्माण किया है एक गेम का। बोला जाए पहले बच्चे को। आ गया। तो गेम का नाम है NCJB, यानी कि नो चॉकलेट पर झूठा बच्चा। तो झूठा बच्चा है जैनल? आप और झूठा बच्चे। पता है मैं तुम्हारे साथ क्या खेलने वाला हूँ? फुटबॉल, क्रिकेट, स्पीकिंग। तैयार है गेम खेलने के लिए? अरे तैयार हूँ, कितनी बार बोलो। नाक में उंगली डालना अच्छा लगता है? हाँ। ना। पसंद है लेकिन कभी कभी खाती हूँ। तुमने अपनी मम्मी को बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। दो या तीन? तीन। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, झूठ क्यों बोल रहा है? कभी टिफिन फेंक के मम्मी को आके घर में बोला है कि तूने टिफिन खा लिया? नहीं। कभी कभी। अबे मैं कभी फेंकता नहीं अपना लंच। ये झूठ बोल रहा है, मेरे को नहीं करना कुछ। खैर, ज्यादातर आंसर्स आपने सच दिए। इस अमूल चॉकलेट के तुम ही हकदार हो। टेक इट एंड गो। ये लीजिए चॉकलेट, प्लीज गो एंजॉय द चॉकलेट। लेलन टॉप। आपको एक राज की बात बताऊं, ये मशीन नकली है। हाँ जी, सच बात तो ये है कि बच्चों की जुबान में ऊपर वाले की आवाज होती है और उनके अंदर की यह सच्चाई उनके सुरों में भी दिखाई देती है। आपका नाम क्या है बाबा? स्वराज तिवारी। कौन सा गाना गाओगे स्वराज? एक हसीना थी। ओहो हो। जी और बाहुबली। 5 साल की उम्र और एक हसीना थी, क्या बात है। तैयार? हाँ तो बोल दे। तो सीधा गाना गाए। चलो सुपर। क्या उम्र, क्या समां, क्या जमाना।
कुछ कहने की जरूरत है या सीधा बस बुला लो और दे दो इनाम? बस एक्चुअली आ जाओ, हा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। मम्मी और भाई हाजिर हो, हाजिर हो। आपने क्या खाया था इसको पैदा करने से पहले? देखिए ये कुदरती बात है, मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई ट्रेनिंग हो सकती है। ये ईश्वरीय देन है, मतलब एवरीबडी ब्लोन अवे, ऐसा हो गया था ये क्या देख रहे हैं, एक चमत्कार। तो ये चमत्कारी बच्चा है, म्यूजिक से इन्होंने डेफिनेटली आगे बढ़ना है। बाय लिटिल चैंप। रामशंकर जी थोड़ी सी एक सवाल पूछ रहा हूँ, गुस्ताखी माफ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप आते हैं जूरी पर जी और वापस घर जाते हैं तो भाभी जी पूछती हैं कि आज कितने पैसे गवा कर आए। एक्चुअली शान भाई हकीकत यह है कि जब इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे इतना प्यारा गाते हैं तो हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते, और ये तो कुछ नहीं है, एक उनको आशीर्वाद स्वरूप एक उनको देना होता है। बाकी सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जी टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच पे हम लोगों को बैठ के ऐसे ऐसे टैलेंट देखने को मिलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ बच्चों को ही मिलता है नजराना? नहीं नहीं बड़ों को भी मिलता है, बिल्कुल। थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा शर्मा। अगले कंटेस्टेंट हाजिर हो। सुगंधा जब 6 साल की थी तब से गाना गा रही है, एज अ पेरेंट हमको भी लगा कि नहीं ये म्यूजिक में अच्छा कर सकती है। वहाँ से हमने सोचना शुरू किया कि हाँ इसको म्यूजिक में ही आगे बढ़ाना चाहिए, और उसको भी लगा उससे कि नहीं मैं म्यूजिक में ही करूँगी। पहले तो हमने ये स्टेप लिया कि सुगंधा जब अच्छा गाने लगी तो हम मुंबई में शिफ्ट हुए। इसके पापा का जॉब नागपुर में था तो वहाँ पे जो पोजीशन पे वो थे तो उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ा, और थोड़ा वो पोजीशन नहीं भी मिला तो भी एडजस्ट करके काम करना पड़ा यहाँ पे। सुगंधा की मम्मी जी, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। हाँ। कि ऐसे पेरेंट्स को सलाम है, सल्यूट है। आपके हस्बैंड ने ये जो इनिशिएटिव लिया ये हमारे भारत की नई सोच है, और मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्चे अगर ऐसे माता पिता होते हैं तभी उनकी जो कदम है म्यूजिक से और आगे बढ़ जाते हैं। Thank you.
If Shreya Ghoshal was here, na, she would have come and hugged you. This is a very good performance. वो जो एक जगह इन्होंने ली, वो बीच में जो जो original में नहीं है, वो मैं चाहता हूँ आप एक बार उधर से और अंतरे से एक बार please आप गा के सुनाए. I loved it. आपने परफॉर्मेंस बहुत ही प्यारा दिया. थैंक यू. कौन सी बात की तारीफ करे, कौन सी बात की ना करे, आपकी टेक्सचर की, आपकी आवाज की, आपकी सांस पे कंट्रोल की, जिस तरह से आपकी जो डायनामिक्स है इतनी कमाल की हैं, फैंटास्टिक. थैंक यू सर. आई विल टेल यू, आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दिस, ये मेरा भी डेब्यू है शो पे, तो मैं भी नर्वस हूँ, मैं भी अनइजी हूँ, बट आपकी सिंगिंग की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं वहां तक आ पाऊँ. दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आ जाओ फिर, मेडल लेके जाओ. जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं हम
Is it?